हाँ मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है, मैं तो देखकर आया हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शोज का मतलब ये नहीं कि आपने भी देखी है। इस वीडियो को मत देखो क्योंकि इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर फुल स्पॉयलर्स। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है और ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मत देखो, स्पॉइल हो जाओगे। डू नॉट वॉच इट, डू नॉट वॉच इट। और अभी भी देख रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम का रिव्यू, छोटा सा स्पॉइलर फ्री, ज्यादा नहीं कुछ होगा उसके अंदर। और मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। जब ये मूवी मैंने देखी ना, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, सच में इस मूवी ने पूरी पूरी की है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद में ना, मैं रिव्यू सिर्फ एक ही लाइन में बोल सकता हूँ एज अ दिल्ली वाला। मैं दिल्ली वाला हूँ तो मैं दिल्ली वाले की तरह बात करूंगा। भैनचोद क्या मूवी थी भाई, सब मजा ही आ गया। यही मेरा रिव्यू है। हाँ, तो जाके देखो जिनने अभी तक नहीं देखी है। और अगर अभी तक आपने मूवी को नहीं देखा है तो भाई क्यों नहीं देखा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक कराना था ना, जाके देखो, अदरवाइज मूवी कोई ना कोई स्पॉइल कर देगा। अब मैं करने वाला हूँ स्पॉइलर्स का ब्रेकडाउन और बात करने वाला हूँ पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो हे गाइस, मैं हूँ सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो अगर बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो मुझे लगता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ना जो स्पाइडरमैन की कहानी है ना, उसको आगे के लिए सेटअप करना चाहिए था। बट सोनी ने और मार्वल ने एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन डिजाइन किया है, एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन चुना है जो कि फैंस को ना 50-50% में डिवाइड कर देगा। उनको लग किसी को लगेगा कि यार बहुत मस्त पोस्ट सीन है, वाह वाह मजा ही आ गया, मार्वल बल्ले बल्ले। बट कुछ लोग जैसे मेरे वाले लोग हैं, जो मेरे जैसे सोचते हैं, उनको लगेगा क्या ही बकवास टट्टी बना दिया है। बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। हम देखते हैं कि वेनम जो है एक बार पर बैठा हुआ है, वो कैप वगैरह पहन के अपना बार पर बैठ के ड्रिंक वगैरह मार रहा है और बात कर रहा है एक बारटेंडर से। अब बारटेंडर से बात करते करते वो एक तरह से डिस्कशन कर रहा है कि किस तरह से इस दुनिया में बड़े सारे सुपर हीरोज हैं। अगर आप नहीं जानते हैं क्या बोल रहा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, वेनम 2 के यानी वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड में हमने देखा था कि वेनम जो है वो आराम से एडी ब्रॉक जो है वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके आसपास का यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म होता है और वो पहुंच जाता है एमसीयू के अंदर, जहां पर जे जोना जेमिसन की रिपोर्ट चल रही होती है। वो सीन याद है ना, वही सीन का कंटिन्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक जो है वो एक तरह से सोच रहा है कि यार इस दुनिया में कितने सारी एक तरह से कितने सारे सुपर हीरोज हैं, मेरी दुनिया में तो कोई सुपर हीरो है ही नहीं जिनको मैं जानता हूं। आपको पता है कि जिस यूनिवर्स से वो आता है उस यूनिवर्स में उसके अलावा ज्यादा सुपर हीरो नहीं है, और अगर है भी तो वेनम को या फिर एडी ब्रॉक को उसके बारे में नहीं पता है। तो वो ये सोच रहा है कि यार इस दुनिया में कितने सारे यूनिवर्स कितने सारे सुपर हीरोज हैं और आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका, मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। और बारटेंडर भी कह रहा है हाँ भाई हाँ ये तो है ही, हमारे यहाँ तो चलता रहता है ये सब। और तुरंत क्या होता है, वो अपना ड्रिंक वगैरह पी रहा होता है, तभी इसको नशा वशा होता है, वेनम उससे बात कर रहा होता है, वो खड़ा होता है, यूं करता है, वाइट ग्लो होता है और एडी गायब। जी हाँ, और फिर क्या होता है, फिर बारटेंडर देखते रहता है कहाँ गया भाई कहाँ गया। और हम देखते हैं, हमें क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जमीन का, जहां पर छोटा सा सिम्बियोट का पार्ट पड़ा होता है। अब इनिशियली तो लगता है कि हिल नहीं रहा, बट जैसे ही कट होने वाला होता है ना, मतलब जैसे ही कट होने वाला होता है उसी वक्त वो हिलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है वेनम सिम्बियोट इज नाउ इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर जिन लोगों को लग रहा था कि टॉम हॉलैंड जो है स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद में स्पाइडरमैन प्ले करना बंद कर देंगे, ये उन लोगों के लिए आंसर है कि ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़े दिनों पहले केविन फाइगी ने और एमी पास्कल ने इंटरव्यू के अंदर कहा था साफ साफ कि ऐसा नहीं है, टॉम हॉलैंड की और मूवी भी आने वाली है। और मैं अपने चैनल पे कई बार रिपोर्ट कर चुका हूं कि टॉम हॉलैंड अभी 6 मूवी कम से कम और करने वाला है, 6 मूवी कम से कम बता रहा हूं, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें से 3 तो उसकी खुद की ट्रिलॉजी होगी जो कि नई ट्रिलॉजी होगी। आपको पता है स्पाइडरमैन नो वे होम अगर आप वो देख के आ रहे हो, तो अब जो पीटर है और उसके जो फ्रेंड्स हैं सारे सारे वो जा रहे हैं कॉलेज में, इट्स इज सीनियर ईयर या जूनियर ईयर, आई डोंट नो वहां का सिस्टम कैसे काम करता है। बात यह है कि वो जा रहे हैं कॉलेज, तो जो अगली ट्रिलॉजी होगी ना वो अब होगी कॉलेज के ऊपर। जी हाँ, कॉलेज के ऊपर। तो कॉलेज के अंदर जो है स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 सेटअप की जाएगी। और ये जो ट्रिलॉजी होने वाली है ना, ये होने वाली है डार्क ट्रिलॉजी, मतलब थोड़ा सा डार्क एलिमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें उस वेनम की, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्पाइडरमैन 4 में जहां तक मुझे पता है उस मूवी के अंदर क्या होने वाला है। मैंने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद में अब आप ये बात सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोनी वाले और मार्वल वाले मिलकर ना, साथ में मिलकर फ्यूचर के लिए टॉम हॉलैंड के लिए एक सिम्बियोट सागा प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, सिम्बियोट सागा प्लान कर रहे हैं। वैसे जब मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था, मुझे लगा कि यार आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि वेनम का ऑलरेडी एक तरह से हमने एंटी हीरो वाला रूप टॉम हार्डी की मूवीज के अंदर देख लिया है, 2 मूवी देख ली है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आप एडी ब्रॉक को लेकर आए इस यूनिवर्स के अंदर, क्यों लेकर आए,
मुझे लग रहा था कि एडी ब्रॉक अब इस यूनिवर्स के अंदर आ चुका है, टॉम हॉलैंड सामना करेगा, वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन मूवी बनेगी और वेनम 3 जो होगी ना वो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने क्या देखा, वेनम आया, ड्रेक मारी, सिम्ब्यूट गिराया और चला गया। मतलब क्या टॉम हार्डी को इतना ही रखा गया था इसी सीन के लिए? मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी 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 बैड मूव फॉर मार्वल एंड सोनी, बट कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी अर्ज करना चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 में या फिर स्पाइडरमैन 5 में या फिर स्पाइडरमैन 6 में हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन का एक एलिमेंट देखता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सोनी और मार्वल ने अपने तरीके से प्लान किया, आई डोंट नो हाउ। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या कभी वेनम जो है वो एडी से, मतलब जो एडी वाला वेनम है वो क्या कभी स्पाइडरमैन से मिलेगा? नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है वो जो सिम्बियोट है ना वो स्पाइडरमैन 4 और एटलीस्ट स्पाइडरमैन 5 के लिए ना वो हिडन ही रहेगा। अगर डायरेक्टली स्पाइडरमैन 4 के अंदर वो उस सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो कहीं ना कहीं टॉम हॉलैंड का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट नो वे होम के अंदर हुआ है ना वो कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो सिर्फ सिम्बियोट सागा की तरफ चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 के अंदर तो एटलीस्ट वो वेनम को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं और वो वेनम जो है ना वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे जिस तरह से सारे के सारे फैंस हैप्पी हैं। काफी टाइम से हम ये सोचते थे कि बिना स्पाइडरमैन के वेनम कैसे एग्जिस्ट करता है, बट 2018 वाली वेनम मूवी ने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। लेकिन अब फाइनली वो फ्रेंचाइज शायद अलग चलेगी और सोनी का ये जो स्पाइडरमैन है ना हमारा टॉम हॉलैंड वाला, इसका जो वेनम वाला सिम्बियोट है ना वो अलग चलेगा। मैं तो हर बार कहता हूँ कि अगर सेम तरह की कहानी को वो एक तरह से रिपीट करना चाहते हैं ना जो उन्होंने स्पाइडरमैन 3 के अंदर की थी, यानी सिम्बियोट आएगा और स्पाइडरमैन को करप्ट करेगा, वो मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा जरूर हो सकता है, अब मैं आपको एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ जो कि हाँ पॉसिबल हो सकती है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन शो आपने देखा होगा जहां पर जो वेनम का सिम्बियोट है पहले तो वो पीटर पार्कर से अटैच होता है लेकिन बाद में जाता है वो किसके पास में, फ्लैश थॉम्सन के पास में, और उसको बनाता है एजेंट वेनम। मुझे लगता है कि टोनी रेवरोली जो है, शायद यही नाम है उनका, आई डोंट नो, टोनी जो है वो एक तरह से फ्लैश थॉम्सन का रोल ठीक ठाक करता है, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं करता ज्यादा बुरा भी नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि जो सिम्बियोट है ना ये सिम्बियोट एक्चुअली में स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड के लिए हो ही ना, ये सिम्बियोट हो सकता है किसके लिए, हमारे फ्लैश थॉम्सन के लिए, और कहीं ना कहीं ये एजेंट वेनम की जो कहानी है ना उसको सेटअप कर सकता है। जी हाँ, अब मार्वल वाले और सोनी वाले ये बात ऑलरेडी जानते हैं, मतलब कि जो वेनम है ना वो ऑलरेडी है, तो दो दो वेनम बना के क्या करेंगे, मतलब दो दो स्पाइडरमैन वाले वेनम बना के वो करेंगे क्या? आई थिंक इट्स सिमिलर थिंग। और स्पाइडरमैन 3 के अंदर वो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कि सिम्बियोट आएगा, गुस्सा दिलाएगा और वो सिम्बियोट उतार के फेंक देगा, जाना उसी के पास है, उस यूनिवर्स में एडी ब्रॉक था, इस यूनिवर्स में एडी ब्रॉक के पास ऑलरेडी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिम्बियोट कहां जा सकता है? मेरे हिसाब से या तो टॉम हॉलैंड के पास ही रहेगा और अगेन वो सिम्बियोट सागा ही अपनाएंगे, या फिर ये जा सकता है फ्लैश थॉम्सन के पास में। और फाइनली काफी टाइम से मैं देखना चाहता था एजेंट वेनम की कहानी हमें देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैं तो रेडी हूं, मतलब मैं एक्साइटेड हूं और साथ साथ रेडी हूं कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 4 का या फिर स्पाइडरमैन 5 का जो एजेंट वेनम है ना वो एक बड़ा पार्ट हो सकता है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद ना फैंडम जो है वो 50-50% में डिवाइड हो गया है। किसी को लग रहा है भाई साहब क्या पोस्ट क्रेडिट सीन है, कमाल कर दिया, वाह मार्वल वाह सोनी, और कुछ को लग रहा है कि क्यों क्यों किया ये, अच्छा खासा वेनम चल तो रहा था इसीलिए लेकर आया कि वेनम को सिम्बियोट गिराना था बस। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से ये पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा था। और अगर अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम देखकर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई भी स्पॉइलर पोस्ट मत करना, मैंने भी इस वीडियो को थोड़ा सा स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश की थी शुरू में, बट ये पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो है तो स्पॉइलर तो होंगे ही ना भाई, सिंपल सी बात है, बाकी मूवी के लिए कोई स्पॉइलर मैंने नहीं दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, ये मूवी बहुत मस्त है, मतलब रिव्यू तो मैं नहीं डाल सकता इस मूवी का क्योंकि रिव्यू क्या ही डालू, मस्त है तो मस्त है, इसमें मैं 8 मिनट की वीडियो कहां से बना दूंगा। तो यस, डेफिनेटली वॉच दिस मूवी बिकॉज इट इज द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी, एंड यस थैंक यू सोनी और थैंक यू मार्वल ने को राइट प्रूव करने के लिए, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी के जो भी मैंने देखा ना वो सच में हुआ, मतलब हमें जो उम्मीद थी ना वो सच में हुआ, सो हैप्पी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, बाय गाइस, लव यू ऑल and have a great amazing day.